पूर्व की कक्षा में मैंने आपको पढ़ाए थे राजस्थान के प्रमुख तिथि त्यौहार एवं मेले, उनका परिचय मैं आपको पहली कक्षा में दे चुका हूँ। पहली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर जो एक कहावत प्रचलित है त्यौहारों से संबंधित कि तीजा त्यौहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, हमारे यहाँ त्यौहारों की शुरुआत तीज से होती है, छोटी तीज से होती है, सावणी तीज से होती है, हरियाली तीज से होती है और त्यौहारों का अंत गणगौर पर होता है। तो बच्चों मैं आपको छोटी तीज और रक्षाबंधन, सत्य पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा पढ़ा चुका था और नेक्स्ट महीने के हम बातचीत कर रहे हैं भाद्रपद माह की। भादवे के अंदर आप ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं। आप लोगों से परीक्षा में यूँ भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा त्यौहार कौन से महीने में आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा त्यौहार भादवे के महीने में आते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे भादवे के महीने में पहला त्यौहार कौन सा आता है, सबसे पहले मैं आपको विस्तार से बताऊँगा और लास्ट में एक जाते जाते ऐसी छोटी सी ट्रिक बता के जाऊँगा बच्चों कि आप आपके जीवन में कभी भादवे के महीने के त्यौहार नहीं भूलेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें क्योंकि सबसे ज़्यादा त्यौहार भादवे के महीने में आते हैं और मेरी गारंटी अगर आपको भादवा का पूरा महीना याद है तो ज़रूर आप एक या दो प्रश्न परीक्षा में सही करके आएंगे। भादवे के महीने में बच्चों जो पहला त्यौहार जो होगा वह कौन सा होगा, तो मैंने कल आपको समझाया था कि प्रत्येक महीने में दो पक्ष हुआ करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और महीना जो प्रारंभ होता है हमारे शक संवत का वह कृष्ण पक्ष से होता है और जो सबसे पहले जो त्यौहार आता है बच्चों वो आता है कजली तीज। देखो ध्यान रखेंगे आप, काले पक्ष में आने के कारण, किस में आने के कारण, काले पक्ष में आने के कारण इसे क्या कहा जाता है कजली तीज, कजरा पक्ष में आने के कारण क्या कहते हैं कजली तीज। आप लोग ध्यान रखेंगे भादवे में आने के कारण इसे क्या कह दिया भादुड़ी तीज, भादवे में आने के कारण क्या कहते हैं बच्चों इसे भादुड़ी तीज। और देखो इस दिन बच्चों महिलाएं सत्तू का, आटे से बनता है सत्तू और उस सत्तू का भोग लगाती हैं तीज माता के, इसलिए हम बच्चों इसे क्या कहते हैं सातुड़ी तीज। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कजली तीज, भादुड़ी तीज, सातुड़ी तीज और ये बाद में आते हैं तो हम इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भादवे के महीने में जो सबसे पहला त्यौहार आता है वह कौन सा आता है कजली तीज, इसे हम क्या कहते हैं भादवे में आने के कारण भादुड़ी तीज, और महिलाएं सत्तू का भोग तीज माता के लगाते हैं तो सातुड़ी तीज, और बड़ी है तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, क्योंकि इसे पूर्व छोटी तीज सावण में निकल चुकी है। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है कि कजली तीज आती कब है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे महीने की शुरुआत कब होती है कृष्ण पक्ष में, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष के तृतीया के दिन कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन राजस्थान के अंदर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है कजली तीज का। अब देखो बच्चों ये संपूर्ण राजस्थान की प्रसिद्ध नहीं है, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है ये बूंदी की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों बूंदी की प्रसिद्ध है। और ध्यान रखेंगे कजली तीज की सवारियाँ भी कहाँ पर निकाली जाती है, तो कजली तीज की सवारियाँ भी बूंदी में निकाली जाती है। तीज किसका प्रतीक है मैं आप लोगों को पूर्व में बता चुका, तीज पार्वती माता का प्रतीक है, किसकी सवारियां निकालते हैं पार्वती की सवारियां निकालते हैं। बूंदी में जो कजली तीज है किसकी याद में मनाई जाती है, आप ध्यान रखेंगे बलवंत सिंह जी की याद में, इसको कौन लेकर के आए थे तीज को बलवंत सिंह जी, ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। बूंदी रियासत के घोठड़ा के अंदर बलवंत सिंह जी एक राजकुमार थे और ये एक बार जयपुर तीज की सवारियां देखने चले गए, जयपुर की तीज इन्हें इतनी पसंद आई कि इसे वहाँ से चुरा करके लेकर के आ गए थे और उसी की याद में, इन्हीं की याद में, बलवंत सिंह जी की याद में प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्णा तृतीया के दिन बूंदी के कुंभा स्टेडियम के अंदर विशाल कजली तीज के मेले का आयोजन किया जाता है एवं छोटी काशी की गलियों के अंदर कजली तीज की सवारियाँ निकाली जाती है। और बच्चों इन सवारियों के अंदर मुख्यतः जो नृत्य
किया जाता है वह नृत्य किया जाता है फूंदी नृत्य। बूंदी में कौन सा नृत्य किया जाता है? फूंदी नृत्य। कजली तीज के अंदर विशेषतः कौन सा नृत्य किया जाता है? फूंदी नृत्य। आप ध्यान रखेंगे फूंदी नृत्य राजस्थान के जो बूंदी में कंजर निवास करते हैं उन कंजर बालिकाओं के द्वारा किया जाता है और इस प्रकार क्रोश की आकृति में, एक तो ये से पकड़ लिया और ये से पकड़ लिया, क्रोश की आकृति में चारों ओर घूम घूम करके नृत्य किया जाता है। तो राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो क्रोश की आकृति में किया जाता है वो भी कौन सा है? फूंदी नृत्य। और ये विशेषतः किस पर किया जाता है? कजली तीज पर किया जाता है। तो भादवे का पहला त्यौहार आप लोगों ने कौन सा पढ़ा? कजली तीज। कृष्ण पक्ष में आती है, काले पक्ष में आती है, कजरी पक्ष में आती है, इसलिए कजली। भादवे में आने के कारण भादोड़ी और महिलाएं सत्तू का भोग लगाती है इसलिए सातोड़ी इसे कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम नेक्स्ट त्यौहार की बात करते हैं। अब देखो कजली तीज के बाद बच्चों जो त्यौहार आता है वो है ऊब छठ। ये आप ध्यान रखेंगे भादवे के अंदर जो नेक्स्ट त्यौहार आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ऊब छठ। देखो ऊब छठ को क्या कहते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऊब, ऊब में किसे कहते हैं? राजस्थानी शब्द है ऊब, और ऊब का मतलब क्या होता है ये आप ध्यान रखेंगे। मैं आपसे कहूँ कि ऊबा हो जा, आपसे क्या कहूँ कि ऊबा हो जा, ऊबा होने का मतलब खड़ा होना। इस दिन खड़े खड़े व्रत किया जाता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऊब छठ कहा जाता है। ऊब छठ को हल षष्ठी भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऊब छठ को क्या कहा जाता है बच्चों? हल षष्ठी भी कहा जाता है। अब ऊब छठ को हल षष्ठी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हल किसका आयुध है? बलराम जी का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। तो ऊब छठ, तीन बातें हमारे सामने निकल करके आ गई। ऊब छठ, हल षष्ठी या बलराम जयंती मनाई कब जाती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठमी के दिन। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठमी के दिन हम क्या मनाते हैं? ऊब छठ मनाते हैं, खड़े होकर के व्रत करते हैं, हल षष्ठी मनाते हैं या बलराम जयंती मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। इस दिन गाय के दूध से बने खाद्य पदार्थ नहीं खाए जाते हैं और ऊबा होकर के खड़े होकर के व्रत किए जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको और बात बता दूँ कि वर्तमान में राजस्थान का मिनी पुष्कर, राजस्थान का छोटा पुष्कर मांडकला तीर्थ में राजस्थान के सबसे बड़े बलराम जी का मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो कुछ ही दिनों बाद हमारे यहाँ के धाकड़ समाज के द्वारा, नागर समाज के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कुछ ही दिनों बाद आप सभी के लिए खोल दिया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी बात बच्चों ऊब छठ की, आप इसका भी ले लेंगे क्योंकि हम एक एक त्यौहार पढ़ेंगे, फिर लास्ट में मैं ट्रिक बताऊँगा, तो आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट बातचीत कर रहे हैं कि अगला कौन सा त्यौहार आएगा भादवे में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी आ रही है और इसको हम बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण जिस दिन जन्मे उस दिन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कृष्ण जन्माष्टमी। देखो आप ध्यान रखेंगे कृष्ण भगवान कैसे थे? काले थे, इसलिए कौन सी में जो उनका जन्म हुआ? कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है। कृष्ण थे तो कृष्ण पक्ष में जन्म होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भगवान कृष्ण काले हैं इसीलिए हैं क्योंकि उनका जन्म ही काले पक्ष में हुआ है। और कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। आपको तो ये ध्यान रखना है कि भादवे के महीने में आता है, बस बाकी वो खुद ही देगा कि कृष्ण अष्टमी कब मनाई जाती है। तो भाद्रपद कृष्णा अष्टमी हम बातचीत करते हैं भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन और क्या क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बू जी, संत जम्बेश्वर जिनको हम जाम्बू जी के नाम से जानते हैं, इन जाम्बू जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हमारे विष्णुई संप्रदायों के द्वारा इसी दिन संत जाम्बू जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही जाम्बू जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है बच्चों, कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछा गया है कि मेहाजी मांगलिया, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बापणी जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, बापणी जोधपुर वीडियो देखना आप मेरा। तो इस मेहाजी मांगलिया की अष्टमी, ये मांगलिया राजपूत मेहाजी मांगलिया की अष्टमी भी किस दिन मनाते हैं? भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन ही मनाते हैं।
जाम्बू जी जो विष्णुई संप्रदाय के थे, 20 और 9 मतलब 29 नियम थे, 20 और 9 नियमों वाले संप्रदाय के संस्थापक जाम्बू जी का जन्म दिवस भी किस दिन मनाया जाता है? इसी दिन मनाया जाता है। और इसी दिन बच्चों नरहड़ के पीर चिड़ावा झुंझुनू की हम बात कर रहे हैं, नरहड़ के पीर को शक्कर शाह भी कहा जाता है, शक्कर शाह। और इन शक्कर शाह को बांगड़ के धनी भी कहा जाता है, बांगड़ के धनी भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे चिड़ावा झुंझुनू में बच्चों इस प्रकार इनकी मस्जिद बन रखी है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये भी राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के पीर हैं। तो नरहड़ के पीर शक्कर शाह या बांगड़ के धनी का भी इस दिन क्या लगता है? उर्स लगता है। क्या लगता है बच्चों? उर्स लगता है। तो नरहड़ के पीर जिनको शक्कर शाह भी कहते हैं, बांगड़ के धनी जो चिड़ावा झुंझुनू में स्थित है, इनका उर्स कब लगता है? तो ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो आप ध्यान रखेंगे कि इनका उर्स भी कब लगता है बच्चों? इनका उर्स भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही लगता है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उर्स किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे उर्स का शाब्दिक अर्थ मिलन या विवाह होता है बच्चों। हमारे यहाँ अगर हम बातचीत करें संत संप्रदायों की भक्ति की, इनकी अगर हम बातचीत करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ सगुण और निर्गुण दो भक्ति है, और सगुण में भी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति अलग चलती है, और निर्गुण में भी ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा जिसके प्रतिनिधि कबीरदास जी, और प्रेम मार्गी शाखा जिसके प्रतिनिधि बच्चों आप लोग जानते होंगे मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है, आप लोग सभी जानते होंगे, पद्मावत। मैं आपको समझा रहा हूँ कि वर्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जितने भी सूफी संत हैं, जितने भी मुस्लिम संत हैं, इनकी भक्ति अलग होती है। हम लोग अपने आप को स्त्री और भगवान को परमात्मा अपना पति समझते हैं, और तमाम आत्माएं परमात्मा से मिलने का प्रयास करती है। हम लोग उसी प्रकार प्रेम करते हैं भगवान से जिस प्रकार एक स्त्री पुरुष से प्रेम किया करती है। एक स्त्री की तमाम इच्छाएं किससे होती है? अपने पुरुष से होती है। वही उसका संसार, वही उसका भगवान होता है। ठीक उसी प्रकार हम सभी का भगवान कौन है? हम सबका पति कौन है? परमात्मा है। लेकिन सूफी संत क्या करते हैं बच्चों? अपने आप को तो क्या समझते हैं सूफी संत? पुरुष समझते हैं, और परमात्मा को क्या समझते हैं? स्त्री समझते हैं। और जिस प्रकार एक सामान्य पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, ठीक उसी प्रकार ये सूफी संत परमात्मा से प्रेम किया करते हैं, परमात्मा से विवाह करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, अब वो परमात्मा से कब मिलेंगे? परमात्मा से कब मिलेंगे? जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी आत्मा अब शरीर को छोड़ देगी, तभी परमात्मा से मिलेंगे। तो अब पद्मावत की भी हम बातचीत कर रहे थे, तो उसको प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। जैसे पद्मिनी जो है उसमें परमात्मा के रूप में दिखाया गया है, और रतन सिंह है बच्चों उसको आत्मा के रूप में दिखाया गया है। अब आत्मा किसे मिलना चाहती है? परमात्मा से। रतन सिंह किसे मिलना चाहता है? किसे मिलना चाहता है? पद्मनी से। तो किसी भी सूफी संत की मृत्यु के दिन उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, उसकी आत्मा का विवाह परमात्मा से हो जाता है। उसी तिथि के दिन हम क्या मनाते हैं? उर्स मनाते हैं। तो जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद बच्चों कौन सा होगा त्यौहार, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है बच्चों? गोगा नवमी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गोगा नवमी, काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे। और गोगा नवमी जो मनाई जाती है, ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन। भाद्रपद कृष्णा नवमी तिथि के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी राजस्थान के पंच पीरों में सम्मिलित राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं, चौहान वंश में हुए हैं। गोगा जी को जाहर पीर जैसी उपाधियाँ, जाहर पीर का मतलब साक्षात देवता के समान उपाधियाँ धारण कर रखी है। महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध कर रखा है गोगा जी ने, ये भी ध्यान रखेंगे। मैं जब लोक देवता पढ़ाऊंगा तब इनकी काफ़ी बातें बताऊंगा आपको। लेकिन गोगा जी का जो प्रसिद्ध मेला लगता है बच्चों, गोगा नवमी के दिन गोगा जी का प्रसिद्ध जो मेला लगता है, वह गोगा जी का मेला लगता है गोगा मेड़ी।
और ये घोगा मेड़ी है कहाँ पर बच्चों? ये घोगा मेड़ी जिसे हम धुर मेड़ी भी कहते हैं, और ये है कहाँ पर? ये नोहर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? नोहर हनुमानगढ़ में। तो घोगा जी का प्रसिद्ध जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? नोहर हनुमानगढ़ में लगता है। जब ये वापस आकर युद्ध से, महमूद गजनवी से युद्ध करके वापस आ रहे थे, तो युद्ध में अर्जुन और सर्जन इनके पीछे से वार करते हैं, जिससे एक तरफ तो बच्चों इनकी क्या गिर जाती है, एक तरफ तो इनकी धड़ गिर जाती है, और एक तरफ जो इस प्रकार इनका जो धड़ है ये गिर जाता है। तो जिधर धड़ गिरती है उधर तो बच्चों धुर मेड़ी, और जिधर सिर गिरता है उधर शीर्ष मेड़ी हो जाता है। शीर्ष मेड़ी जो इनके जन्म स्थान ददरेवा चुरू पर है, और धुर मेड़ी जहाँ इनका प्रसिद्ध मेला लगता है वह नोहर हनुमानगढ़ में है। नोहर हनुमानगढ़ धुरमेड़ी में एक साथ दो पुजारी, हिंदू पुजारी और मुस्लिम पुजारी भी पूजा किया करते हैं। और इनका जो मंदिर यहाँ पर बन रखा है, थोड़ा इसे भी आप लोग देख लेंगे कि इनका जो मंदिर नोहर हनुमानगढ़ में मंदिर बन रखा है, इस प्रकार इनका मंदिर है। प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता का मंदिर मकबरे नुमा है? तो घोगा जी का मकबरे नुमा है, जिसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह भी अंकित है। इनके मुस्लिम पुजारी को चायल और हिंदू पुजारी को भोपा कहा जाता है, और घोगा नवमी भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन मनाई जाती है। अब हम नेक्स्ट बातचीत कर रहे हैं कि इसके बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा। तो घोगा नवमी के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा, जरा इसे भी आप लोग देख लेंगे। घोगा नवमी के बाद बच्चों जो त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम है बच्च बारस। और ये बच्च बारस कब मनाई जाएगी? भाद्रपद कृष्णा द्वादशी बारिश के दिन ही मनाई जाएगी। देखो बच्च बारिश, आपने देखा होगा कि तमाम महिलाएं अपने पुरुष की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए व्रत करती है, पुरुष की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। आपसे पूछ लिया जाए कि अब पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत करती है? तो बच्च बारस का व्रत करती है। इस व्रत को करती कौन है? पुत्रवती महिलाएं। ये किसका त्यौहार है? पुत्रवती महिलाओं का। पुत्रवती महिलाएं इसका व्रत करती हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। यहाँ पर बच्च का अर्थ दो होता है, एक बच्च का मतलब क्या होता है बच्चों? बछड़ा। बछड़ा होता है गाय का, मतलब इस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। और एक बच्च का मतलब होता है वत्स। वत्स का मतलब होता है बच्चों पुत्र, मतलब पुत्र की दीर्घायु के लिए पुत्रवती महिलाएँ व्रत किया करती हैं, और इस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। और साथ में और ध्यान रखेंगे आप कि इस बच्चों ये जो त्योहार मनाया जाता है ये भाद्रपद कृष्णा द्वादशी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट अब कौन सा त्योहार मनाया जाएगा ये भी जरा हम देख लेते हैं। तो इसके बाद कौन सा त्योहार मनाया जाएगा, आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा, मैं भी लिख देता हूं। इसके बाद जो आती है बच्चों आती है सती अमावस्या। कौन सा त्योहार होगा बच्चों? सती अमावस्या। देखो सती अमावस्या जो है इस दिन किस दिन मनाई जाती है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, भाद्रपद अमावस्या के दिन। भाद्रपद अमावस्या के दिन क्या मनाया जाता है? सती अमावस्या। और राजस्थान की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी सती रानी सती आप लोग जानते होंगे झुंझुनू में, इस दिन महासती मेला, रानी सती को ही महासती कहते हैं, और महासती मेले का आयोजन किया जाता है। और महासती मेला कहाँ पर लगता है बच्चों? झुंझुनू में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा सती मंदिर कहाँ पर है? यही है। और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सती मंदिर भी खेमी सती झुंझुनू में स्थित है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों में आपको बता दूं कि इसका मूल नाम नारायणी बाई था, और ये रानी सती का विवाह जो तंदन दास के साथ कर दिया गया था, तंदन दास इसको लेकर के अपने यहाँ जा रहा था कि बीच रास्ते में यहाँ पर हरियाणा के इसार के सैनिकों से इनकी लड़ाई हो जाती है, और तंदन दास वहीं पर समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये उग्र रूप में आ जाती है और अपने हाथों में उनके सैनिकों से तलवारें लेकर के उनसे लड़ती है, और उनको मार करके अपने पति के साथ वहीं पर सती हो जाती है, जहाँ जिसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। पहले इसकी काफ़ी पूजाएं किया करते थे, लेकिन होता क्या है बच्चों, में बातचीत कर रहा हूँ 1987 ईस्वी की। 1987 में
दिवराला कांड हुआ था। आप लोगों को पता होगा 1987 में दिवराला कांड हुआ था। और ये दिवराला कांड कहाँ पर हुआ था बच्चों? ये हुआ था सीकर के अंदर। आप लोग ध्यान रखेंगे, सीकर के दिवराला गांव में व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन सिंह, और मोहन सिंह की पत्नी है जिसका नाम है रूप कंवर। रूप कंवर बच्चों 18 वर्ष के लगभग थे और मोहन सिंह भी लगभग 19-20 साल का एक लड़का था। इन दोनों का विवाह हो जाता है, लेकिन मोहन सिंह की विवाह के कुछ दिनों पश्चात ही मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में मोहन सिंह के पिताजी क्या करते हैं कि ये रूप कंवर किसी दूसरे लड़के से ब्याह कर लेगी, इस कारण इस रूप कंवर को जबरदस्ती मोहन के साथ सती कर देता है। और इस घटना को हमारा मीडिया देख लेता है और इसे पत्रिका में दे देता है। सरकार की नजर इस पर पड़ जाती है और सरकार तुरंत 1987 में राजस्थान सती निवारण अधिनियम लेकर के आती है। ध्यान रखेंगे आप, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान सती निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? 1987 में। राजस्थान की अंतिम सती कौन है? रूप कंवर। दिवराला कांड कब हुआ था? 1987 में। और दिवराला कांड का संबंध किससे? सीकर से। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1987 के इस अधिनियम के तहत वर्तमान में इस मेले पर क्या कर दी गई बच्चों? रोक लगा दी गई। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और वापस। तो ये थी बात सती अमावस्या की। अब हम बातचीत करते हैं बच्चों नेक्स्ट, क्योंकि एक पक्ष हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस से आगे नेक्स्ट बातचीत करते हैं, अगला त्यौहार कौन सा होगा? तो अगला त्यौहार जो मनाया जाएगा बच्चों बादवे में, वो होगा बाबेरी बीज। बाबेरी बीज, बाबा किसे कहते हैं? बाबा कहते हैं रामदेव जी को। बीज का अर्थ, बीज गुजराती शब्द है जिसका अर्थ होता है दूज। तो बाबेरी बीज या रामदेव जन्मोत्सव, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, भादवे की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन। बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव कब मनाया जाता है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन। हमारे राजस्थान के अंदर धूमधाम से बाबा रामदेव जी का, कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इसी दिन से रामदेवरा, देखो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बाबा रामदेव जी के मंदिरों को, इनके थानों को क्या कहा जाता है? आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनके मंदिरों को कहा जाता है देवरा। और भारत में सबसे बड़ा देवरा जो था वह कहाँ पर था? ये भारत का सबसे बड़ा देवरा रूणीचा गांव में था, जैसलमेर में था, इसीलिए उसका रूणीचा गांव का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? देवरा कर दिया गया, इसलिए इसे राम देवरा कहते हैं। प्राचीन नाम इसका रूणीचा था। यहाँ पर मेला प्रारंभ हो जाता है बच्चों जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक चलता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाबा रामदेव जी का जो मेला है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, ये राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना, जहां पर हिंदू और मुस्लिम बराबर संख्या में जाते हैं, ऐसा मेला बाबा रामदेव जी का है। और ध्यान रखेंगे बच्चों, इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है? बाबा रामदेव जी के मेले में कई परीक्षाओं में आया है, 13 ताले नृत्य। बाबा रामदेव जी के मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है? 13 ताले नृत्य। ध्यान रखेंगे आप, 13 ताले नृत्य कांवड़ जाति की विवाहित महिलाएं करती है, और कांवड़ जाति की विवाहित महिलाओं के द्वारा 13 प्रकार की कलाएं दिखाई जाती हैं। इसमें 13 मंजीरे भी बांधे जाते हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र मंजीरा होता है, और 13 प्रकार की कलाएं, 13 मंजीराओं का प्रयोग करने के कारण 13 ताली नृत्य कहलाता है, जो इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कांवड़ जाति की विवाहित महिलाएं करेगी, कुंवारी बालिकाओं को इसकी शिक्षा ही नहीं दी जाती है। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई बच्चों 13 ताले नृत्य के, आप लोग जानते होंगे कि 13 ताले नृत्य का जो जन्म है पादरला गांव में हुआ था। पादरला गांव कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 13 ताले नृत्य में
13 मंजीराओं का प्रयोग किया जाता है। 13 ताली नृत्य की हम और बातचीत करें तो देखो इसको प्रारंभ जो बच्चों करते हैं तो प्रारंभ में एक महिला अपने ऊपर ऐसा एक दीपक जला करके थाली में कलश जैसे हम रखते हैं पानी रख करके लेकर के आएगी और फिर नीचे बैठ करके अपने घरेलू कार्य जैसे बाजरे का आटा लगाना, खाना बनाना, दही मथना, तमाम घरेलू कार्यों का इसमें क्रियाकलाप किया जाता है। और साथ में ये ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य है 13 ताली नृत्य जिसे बैठ करके या लेट करके किया जाता है। नेक्स्ट हम और बातचीत कर लेते हैं 13 ताली नृत्य की, तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा 13 ताली जो नृत्य है राजस्थान के प्रमुख नृत्यों के अंदर में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो भाभीरी बीज इसे हम रामदेव जन्मोत्सव कहते हैं, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया के दिन जो मनाई जाती है और यहाँ से बाबा रामदेव जी का मेला भी प्रारंभ होता है जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक चलता है। ध्यान रखेंगे आप रामदेवरा का प्राचीन नाम रूणीचा था, रामदेव जी के थानों को देवरा कहा जाता है, सबसे बड़ा देवरा रूणीचा में था इसलिए इसका नाम रामदेवरा हो गया। ये राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है ये भी आप ध्यान रखेंगे और 13 ताली नृत्य भी आप लोग इसकी प्रमुख विशेषता ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं इसके बाद कौन सा त्यौहार होगा, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद बच्चों तीज माता, हर ताली का तीज मनाई जाती है। इसके बाद क्या मनाई जाती है, हर ताली का तीज, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है हर ताली का तीज। ये हर ताली का तीज कब मनाई जाती है, हर ताली का तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है और हर ताली का तीज जैन समाज के लोग इसे रोट तीज, मोटी मोटी रोटियां बना करके तीज माता के भोग लगाते हैं इसलिए इसे हम रोट तीज भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट त्यौहार होगा बच्चों आपके गणेश चतुर्थी, और बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे गणेश चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहा जाता है और गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ये मनाई जाएगी भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी के दिन बच्चों घरों में गणेश प्रतिमाएं, कहाँ पर, घरों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाती है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस दिन घरों के अंदर क्या की जाती है, गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। और राजस्थान के अंदर जो मेला लगेगा, राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो जहाँ पर केवल भगवान गणेश जी के मुँह की पूजा होती है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणतम भोर में जो राजस्थान का प्रसिद्ध मेला लगता है, ये राजस्थान का प्रसिद्ध गणेश मंदिर एवं राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला है ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हम बातचीत करते हैं तो देखो ध्यान रखेंगे भारत के अंदर गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है और भारत में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गणेश चतुर्थी पर्व को बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था ये भी आप लोग बच्चों ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र में जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार प्रारंभ किया वो किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। गणेश चतुर्थी के दिन शेखावाटी क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों के सिंजारा भी भेजे जाते हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं, नेक्स्ट त्यौहार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नेक्स्ट त्यौहार जो होगा वो कौन सा होगा हम देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट त्यौहार जो होगा आप लोगों के भी दिमाग में आ गया होगा बच्चों कौन सा होगा, ऋषि पंचमी। ध्यान रखेंगे आप अगला त्यौहार जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों, ऋषि पंचमी। और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ऋषि पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है तो आप बता देंगे फटाफट कि भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। देखो ऋषि पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों हमसे जाने अनजाने में कई प्रकार की गलतियां हो जाती है तो जाने अनजाने में हुए पापों का प्रक्षालन, प्रक्षालन का मतलब होता है बच्चों धोना, और जाने अनजाने में हुए पापों का प्रक्षालन करने के लिए कौन सा व्रत किया जाता है, ऋषि पंचमी का। और इसी दिन जैन समाज के सबसे बड़े पर्व पर्युषण पर्व की भी शुरुआत होती है ये भी आप ध्यान रखेंगे। पर्युषण पर्व की शुरुआत जो अनंत चतुर्दशी तक चलता है, तो जैन समाज के सबसे बड़े पर्व पर्युषण पर्व की शुरुआत भी कब होती है बच्चों, ऋषि पंचमी के दिन ही होती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर हम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट त्यौहार। चलो मैं इसी में लिख देता हूं बच्चों अगला त्यौहार होगा भगवान श्री देवनारायण के,
देव नारायण निर्वाण तिथि। आप लोगों को पता होगा भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री देवनारायण भगवान ने इस दिन इस तिथि के दिन निर्वाण तिथि इस तिथि के दिन और ये तिथि क्या है भाद्रपद शुक्ला सप्तमी इसी तिथि के दिन हमारे यहाँ पर देव माली और देव माली कहाँ पर पड़ती है बच्चों ब्यावर अजमेर में। तो भगवान श्री देव नारायण ने भाद्रपद शुक्ला सप्तमी के दिन देव माली ब्यावर अजमेर में अपनी देह को त्याग दिया था, इसी कारण देव नारायण की निर्वाण तिथि भाद्रपद शुक्ला सप्तमी के दिन मनाई जाती है। जरा आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर हम और आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया त्यौहार आ रहे हैं आगे। अगला त्यौहार है बच्चों राधा अष्टमी। राधा अष्टमी से भी काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं पूर्व में, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राधा अष्टमी। अब देखो भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, भगवान श्री कृष्ण काले थे और काले होने के कारण आपको पता है कि काले पक्ष में जून की अष्टमी आई और राधा गोरी थी तो गोरे पक्ष में शुक्ल पक्ष में भाद्रपद शुक्ला अष्टमी में राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान में जो प्रसिद्ध मेला लगता है राधा अष्टमी का वह लगता है निम्बार्क संप्रदाय का। किसका लगता है बच्चों? निम्बार्क संप्रदाय। और राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? ये निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद। और ये सलेमाबाद कहाँ पड़ता है बच्चों? ये अजमेर में पड़ता है। और ये सलेमाबाद में कौन सी नदी के किनारे हैं? रूपनगढ़ नदी के किनारे। और ये रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ किसने स्थापित की थी? ये आचार्य परशुराम ने। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आचार्य परशुराम इस पीठ के संस्थापक हैं। बाकी निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक स्वयं निम्बार्क है। और इनका मेला जो लगता है राधा अष्टमी का वह सलेमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे लगता है। मैं थोड़ा परिचय आपको निम्बार्क का भी दे देता हूँ क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय पूरे भारत का एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो राधा और भगवान कृष्ण को पति पत्नी समझते हैं, प्रेमी प्रेमिका नहीं समझते हैं, राधे को भगवान श्री कृष्ण की परिणीता समझते हैं, ऐसा संप्रदाय है निम्बार्क। और ये पूजा भी भगवान के युगल रूप की ही किया करता है। निम्बार्क का बच्चों नाम, ऐसे नाम तो इनका जो हमारे साहित्य में मिलता है वह आरुणी मिलता है, लेकिन ये निम्बार्क कैसे हुए जरा आप देख लेंगे। तो एक बार निम्बार्क कुछ संतों को मंत्रणा करने के लिए सत्संग करने के लिए आमंत्रित करते हैं और भोजन बनाने के लिए कह देते हैं, लेकिन ये सत्संग करते रहते हैं और इधर सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करते हैं। तो सभी ने मना कर दिया कि हम भोजन नहीं करेंगे क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है। तो इन्होंने क्या किया आरुणी जी ने कि एक नींब के ऊपर सूर्य के दर्शन, सूर्य को हम कहते हैं अर्क, और नींब के ऊपर सूर्यास्त होने के बाद भी नींब के ऊपर अर्क के दर्शन, सूर्य के दर्शन करवा दिए, तभी से इनका नाम क्या हो गया? निम्बार्क हो गया। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट त्योहार पर। अब जो नेक्स्ट त्यौहार जो होगा वो होगा तेजादशमी। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो तेजादशमी कब मनाई जाती है ये बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तेजादशमी, तेजा जी को तो आप सभी जानते ही होंगे, धोलावीर के नाम से कृषि कार्यों के उपकारक देवता, काला भाला के लोक देवता तेजा जी को भी मैं आपको सेपरेट क्लास में अलग से पढ़ाऊंगा। तेजा दशमी मनाई जाती है बच्चों भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि गोगा जी काले हैं तो कृष्ण पक्ष में और तेजा जी गोरे हैं तो शुक्ल पक्ष में। तेजा दशमी का जो प्रसिद्ध मेला लगता है बच्चों वह लगता है पर्वत सर नागौर में, पर्वत सर नागौर में। और ये तेजा जी का जो मेला लगता है वो कौन सा मेला लगता है? पशु मेला लगता है। और पर्वत सर नागौर में जो इनका मेला लगता है बच्चों ये आई की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? आई की दृष्टि से राजस्थान का, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। आई की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तेजादशमी का मेला है। ये तेजादशमी के मेले में बेलों के लिए प्रसिद्ध है, नागौरी बेल यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेचे जाते हैं और नागौरी बेल जो है ज़्यादा वजन ढोने के लिए जाने जाते हैं। नागौर का सुवालक प्रदेश पूरे विश्व में बेलों के लिए भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे तेजा दशमी के दिन ही बच्चों
विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, आप लोग ध्यान रखेंगे तेजा दशमी के दिन ही वृक्ष का एकमात्र वृक्ष मेला खिजड़ली जोधपुर में आयोजित किया जाता है अमृता देवी की याद में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा वृक्ष मेला खिजड़ली जोधपुर में इसी दिन आयोजित किया जाता है। तेजा दशमी के दिन ही बच्चों सुगंध दशमी मनाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सुगंध दशमी का त्यौहार भी किस दिन मनाया जाता है? तेजा दशमी के दिन ही मनाया जाता है। रामदेव जयंती भी किस दिन मनाई जाती है? तेजा दशमी के दिन ही मनाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी बच्चों बात तेजा दशमी की, इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो त्यौहार होगा बच्चों वो होगा जल झूलनी एकादशी, उसे हम कहते हैं ढोल ग्यारस, क्योंकि अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण पैदा हुए थे और इस दिन उनका निष्क्रमण संस्कार, उनका सूरज पूजा गया था, उसी तिथि को हम कहते हैं जल झूलनी एकादशी। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जल झूलनी एकादशी इसे हम ढोल ग्यारस भी कहते हैं और ये कब मनाई जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे जल झूलनी एकादशी या ढोल ग्यारस भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का निष्क्रमण संस्कार, उन्हें यमुना नदी में ले जाकर के स्नान करवाया गया था, उसी तिथि में जल झूलनी एकादशी ढोल ग्यारस प्रत्येक राजस्थान में मनाई जाती है। राजस्थान के सभी देवी देवताओं को बेवाण में बिठा करके बाहर ले जा करके नीला करके वापस लाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? दो बातें यहाँ पर पूछी जाती है कि इसका प्रसिद्ध मेला कहाँ लगेगा। तो ध्यान रखेंगे प्रसिद्ध मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़ में लगता है, सांवरिया सेठ के मंडपिया चित्तौड़गढ़। सांवरिया सेठ को राजस्थान में तस्करों के लोक देवता भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस दिन ढोल मेला कहाँ पर लगता है? इस दिन ढोल मेला कहाँ पर लगता है या ढोल यात्रा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे बारां की, और बारां में जो मंदिर है उसका नाम है कल्याण राय जी। तो ये कल्याण राय जी के ढोल मेले का आयोजन किया जाता है और कल्याण राय जी के ही ढोल यात्रा निकाली जाती है। तो ये थी बच्चों बात जल झूलनी एकादशी की। अब हम पढ़ते हैं इसका स्क्रीन शॉट ले लें नेक्स्ट त्यौहार। अगला जो त्यौहार होगा बच्चों जरा आप लोग ध्यान रखेंगे अनंत चतुर्दशी। आप लोग ध्यान रखेंगे अनंत, जिसका कभी भी अंत ना हो वही क्या कहलाता है? अनंत। और यह है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी चौदश के दिन। इस दिन भगवान विष्णु का अखंड व्रत किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस दिन भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ चले गए थे, उनका अखंड व्रत किया जाता है। इस दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन भी कर दिया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? गणेश प्रतिमाओं का, जो हमने चतुर्थी पर गणेश जी स्थापित किए थे उनका क्या भी किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। और आपको पता होगा इस दिन पर्युषण पर्व भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। पर्युषण पर्व भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये थी बात किसकी? अनंत चतुर्दशी की। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे भाद्रपद पूर्णिमा। मैंने कहा था आपसे प्रारंभ में कि पूरा वीडियो देखना, मैं ट्रिक बताऊंगा, तो अब आप लोगों को मैं जरूर ट्रिक बता करके जाऊंगा कैसे याद करेंगे भाद्रपद पूर्णिमा। और भाद्रपद पूर्णिमा से हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो आश्विन अमावस्या तक चलते हैं, 16 दिनों के हुआ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आश्विन के महीने में मैं आप लोगों को ऐसी बात बताऊंगा, अब जरा इसका स्क्रीन शॉट ले ले। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये तमाम त्यौहार कैसे याद रखेंगे। तो बच्चों एक बार इनको लिख करके आप लोग पढ़ लें, बस सामान्य पढ़ना है, कोई दिमाग पे वजन नहीं देना है। फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि जिस दिन चंद्रमा पूरा नजर आ जाए तिथि क्या कहलाएगी? पूर्णिमा। और जिस दिन बिल्कुल नजर नहीं आए तिथि क्या कहलाएगी? अमावस्या। तो ये हमने दो भागों में बांट दिया।
महीना चालू कौन से पक्ष से होता है? कृष्ण पक्ष से। और अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष होगा? शुक्ल पक्ष से। तो सबसे पहले कौन सी आए? कजली तीज, ये आप लोगों को पता है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? ऊब छठी, ये भी आप लोगों को पता है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? कृष्ण जन्माष्टमी, ये भी आप लोगों को पता है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? बच बारस, ये भी आप लोगों को पता है। और इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा? सती अमावस्या, ये भी आप लोगों को पता है। उसके बाद बाबा रामदेव जी की जयंती, उसके बाद हरतालिका तीज, फिर गणेश चतुर्थी, फिर ऋषि पंचमी, इसके बाद देवनारायण की साता, फिर उसके बाद राधा अष्टमी, इसके बाद आप लोगों ने तेजा दशमी, फिर तेजा दशमी के बाद ढोल ग्यारस पढ़ी, और इसके बाद आपने अनंत चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा पढ़ी। तो आप लोग इनको पूरे को पढ़ करके यूं कर लेंगे कि कृष्ण पक्ष में कम त्यौहार आ रहे हैं। तो आप लोग बस ये ध्यान रखेंगे कि ये सारे त्यौहार आते भादवे में हैं बस। बाकी आप कैसे ध्यान रखेंगे? कि कृष्ण पक्ष के त्यौहारों को ध्यान रख लेंगे। जो कृष्ण पक्ष में नहीं होंगे वो कौन से पक्ष में आ जाएंगे? शुक्ल पक्ष में आ जाएंगे। तो ये थी बच्चों बात आज के इस वीडियो की। जरूर आपको राजस्थान के तिथि त्यौहार एवं मेले पसंद आए होंगे, और ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो, अगले महीने के वीडियो विस्तार से देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे लाइक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।